खबर यूपी के कानपुर नगर से है, जहां आज कानपुर प्रेस क्लब में ग्राम रेवना थाना घाटनपुर निवासी शशि प्रकाश द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शशि प्रकाश ने बताया कि नरेंद्र कुमार आदि से दो मकानों व जमीनों को लेकर मुकदमा चल रहा है। नरेंद्र कुमार पक्ष ने हमारे परिवार को मारा पीटा व जान से मारने का प्रयास किया। इस घटना की जब हम लोगों ने पुलिस से शिकायत की, तब हमारे विरोधी नरेंद्र कुमार के दामाद के बड़े भाई संघ प्रचारक व प्रचार प्रमुख अनुपम किशोर त्रिवेदी ने हम लोगों के खिलाफ लूट, डकैती, मारपीट व छेड़खानी के लगभग 6 मुकदमे दर्ज करा दिए। पत्रकार वार्ता में पीड़ित शशि प्रकाश ने बताया कि हमको न्याय दिया जाए। क्या मामला है आपका? मामला हमारा सिविल में सरकारी बंटवारा विचाराधीन है, जिसमें विपक्षी हमारा मूल निवास त्रिमुना का नरेंद्र कुमार है, इनके दामाद के बड़े भाई अनुपम किशोर त्रिवेदी संघ प्रांत प्रचार प्रमुख हैं। ये पुलिस पर दबाव बना के चौकी प्रभारी रेवना संजीव और थाना प्रभारी धीरेज प्रसाद से मिलकर हमारे ऊपर RTM दर्ज करा देते हैं, जबकि घटना में हमारी उपस्थिति नहीं होती, न ही घटना के दिन का उच्च अधिकारी CDR देखते हैं कि हमारी उपस्थिति कहाँ है। मैं वर्तमान समय में कानपुर देहात में BEd का संस्थागत छात्र हूँ, गाँव में माता जी पिताजी रहते हैं और उनको भी अभियुक्त बनाते हैं, जबकि मामला सिविल में विचाराधीन है। 145 CRPC SDM घाटमपुर के विचाराधीन। आप तमाम अधिकारियों के गए, कोई सुनवाई नहीं, तो आगे क्या? कोई सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद मैंने करीब 1133 ट्वीट की है, प्रचारक अनुपम किशोर त्रिवेदी एवं चौकी प्रभारी रेवना संजीव, थाना प्रभारी धनेश प्रसाद तथा विपक्षी के खिलाफ, जिसमें उत्तर भी आता है कि अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत है, लेकिन आज तक हमारी ओर से कोई भी अभियोग पंजीकृत ही नहीं है थाने में। क्या करेंगे अब? हम 1 सितंबर से अगर हमारे साथ न्याय नहीं होता तो मुख्यमंत्री आवास पर आमरण अनशन करेंगे अपने पूरे परिवार के साथ।